जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ आपका मेज़बान मंसूर इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फेस ऑफ पाकिस्तान। तो नाज़रीन अभी हम आए हुए इधर मुल्तान 6 नंबर चुंगी पे कैद आज़म अकेडमी में, यहाँ पे कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। जो बाहर मुल्क लोग जाना चाहते हैं वो वैक्सीन लगाई जा रही है। हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे क्या क्या इंतज़ाम हैं हुकूमत की तरफ से। यहाँ पे लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना है। ये हम आपको रश दिखाएँगे, अभी यहाँ पर देखें रश। ये सारे अपने टोकन के इंतज़ार में खड़े हैं। टोकन मिलने के बाद वो भी टाइम दिया जा रहा है कि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, हफ्ते बाद यहाँ पे इन्हें कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। ये देखें, हम यहाँ बात करेंगे लोगों से कि इनके यहाँ पे क्या क्या मुश्किलात का सामना है। जी सर, टोकन मिल गया आपको? कितना नंबर मिला है? 24 तारीख का। कितने बजे आए थे आप यहाँ? सुबह सात बजे। और यहाँ पे रश में लग के आपने नंबर लिया अपना? कितने बजे नंबर मिला है? अभी मिला है तकरीबन 12 बजे। 10 बजे। हाँ जी नाजरीन, सुना है आपने, यहाँ पे लोगों को रश में ठहराया जा रहा है और यहाँ पे बड़ी मुश्किल है लोगों को। ये देखें आप, ये आप देखें यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई यहाँ पे इंतज़ामिया है नहीं। यहाँ पे काफ़ी लोगों को मुश्किलात आ रही हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे तंग हैं। आज हैं दूसरे मुनाज़रीन से बात करते हैं, क्या उनका क्या कहना है? जी सर, भाईजान सवेरे 4 बजे दे आए। सुबह 4 बजे? अच्छा अच्छा, पहले इथे लैंड लवाइने, बल उथे लवाइने, बल उथे वाली पिछले पासे लैंड लवाइने। अच्छा, जमीन ये सार, जमीन ये सार, आखरे जी आखने ये फार्म इकट्ठे करो एक बंदे पर। तो आपको अभी तक टोकन नहीं मिला? चार दी गई टोकन नहीं। आपने कौन से मुल्क जाना है? मैंने सऊदी अरब। सऊदी अरब जी। तो वो तो कह रहे हैं वैक्सीन के बगैर वहाँ ना दाखिला मना है। वही तो कोशिश कर रहे हैं ना। तो अभी तक आज 4th दिन आपको नहीं मिला है टोकन? जी सुन लिया आपने, यहाँ पे लोगों का कितना हजूम है, कोई इंतज़ाम नहीं है और यहाँ पे लोगों को मुश्किल हैं, कोई इंतज़ामिया नहीं है, लोग तंग हैं, यहाँ पे रश में ठहरे हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना रश है। हम अपने चैनल के थ्रू हम इंतज़ामिया को पैगाम दे रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं उनके मुश्किलात दूर करें और कोई यहाँ पे कोई तरतीब बनाए कि लोग इतना जो जलील हो रहे हैं यहाँ पे लाइनों में लग रहे हैं, यहाँ से उन्हें कोई सहूलत दी जाए ताकि वो अपने अपने मुश्किलात दूर कर सकें। जी हम दूसरे भाई से बात करेंगे। जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर टोकन लेने आए हैं आप? हाँ जी, टोकन लेने आए हैं, कल से आए, परसों दिन आए हैं, कल छुट्टी होगी, कल ही ने चलाया है। अच्छा, तो आज आए हैं तो फिर वक्त तुम्हारे सामने है, जो निज़ाम चल रहा है कोई बात नहीं सुन रहा। अभी तक टोकन नहीं मिला? नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। कौन से मुल्क जाना है आपने? आपने सऊदी अरब में जाना है। सऊदी अरब? कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? 7 महीने हो गए। 7 महीने आके फंस गए आप? और भाई आप? असर नवी कोशिश की दिखाए, साल ठीक है खाने से। साल ठीक है। ट्रैफिक हो, नवे बिजी पे जा, एयरपोर्ट खुले ना, एयरपोर्ट खुले ना, आपको भी टोकन ही मिला? नहीं मिला। क्यों, कितना दिन हो गया आपको? तीसरा दिन है बाहर जा। हां तीसरा दिन है। जी नाजरीन आपने देखा है कि यहाँ पे तीसरा चौथा दिन है, ये मामूली सी बात है, लोगों को हफ्ते लग रहे हैं यहाँ पे फिर भी टोकन नहीं मिल रहा। इंतजामिया को चाहिए कि वो इस पर एक्शन ले और जो लोगों को मुश्किलात है, ये हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है जिनकी वजह से मुल्क चल रहा है, अगर ये वापस नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान पैसे कौन भेजेगा। इंतज़ामिया को चाहिए कि वो इस पर एक्शन ले और इनके मुश्किलात को दूर करें। बहुत ही यहाँ पे नहायत गरीब लोग इकट्ठे हुए हैं, मजदूर तबके वाले लोग इकट्ठे हैं जो बाहर जा के खून पसीना अपना दे के वहाँ से पैसा कमा के यहाँ पाकिस्तान भेजते हैं। जी आप देखें यहाँ पे कितना रश लगा हुआ है। फारम देके एक साथ अब मैं अपने मेज़बान मंसूर इब्राहिम को इजाज़त दीजिए, आवाज़ करते रहेंगे। जी इस्लाम फोन नंबर लिखो।